तो आगे बढ़े या फिर पीछे का रिवाइज करा दे, जल्दी बोलिए, रिवाइज करा दे। तो इलेक्ट्रिक करंट, फटाफट बोलते जाइएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हीटर में क्यों फ्लो होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिखाया था ना पूरा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, उसके मूवमेंट के कारण क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ये बताइए करंट का फ्लो कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव? होता क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये लोग कन्वेंशनली क्या मानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनली है, रियली में क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, कहते हैं ना। और क्यों क्यों होता है, सब सिखाया था आप लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का खोज क्या हुआ, बाद में हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का खोज बाद में हुआ, फिर कन्वेंशनल मान लिए उसको। फिर क्या सिखाया था आप लोगों को बाबू, इसे मान लीजिए अगर आपसे हम बोले कि करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रियली में है, जब ऐसे बोलेंगे कि करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज करंट इज ए फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, करंट इज पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, वही बात, इलेक्ट्रॉन्स का खोज क्या हो गया है, बाद में। शुरू हम लोग क्या मानते थे कि कोई भी चीज क्या होता है, हाई टू लो जाता है, तो करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, इस हम ये मानते थे बाद में। लेकिन जब करंट जब इधर से नेगेटिव गया तो फिर वो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फ्लो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। क्वेश्चन में आ जाए कि करंट इज अ फ्लो ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन्स बोल देगा, प्रोटॉन्स बोल देगा और नेगेटिव चार्ज बोल देगा, तो क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन जब चार्ज का बात करेगा तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, ठीक है। फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, लेकिन मानते क्या है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है करंट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक बार फटाफट आप लोग को याद करते हुए चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टिव मेटल मटेरियल, ठीक है। स्टैटिक क्या हो गया, सिखाए थे आप लोगों को, जब रगड़ देंगे तो क्या होगा, करंट को फ्लो होता है, ठीक है, ये एग्जांपल भी हम आपको करके दिखाए थे। चार्ज क्या सिखाए थे, जल्दी बताओ, कि चार्ज इज द फ्लो ऑफ इज द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, हम लोग को एक्सपीरियंस करते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, दो तरह का चार्ज बताया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हर चीज हाई टू कहाँ कहाँ गिरता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का खोज नहीं हुआ था, इसलिए क्या बोला गया, करेंट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। सिमिलर चार्ज क्या करता है, रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। चार्जिंग ऑफ बॉडीज टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, है ना, आपको हम सिखाए थे कि कोई भी चीज़ को फ्लो कराने के लिए कुछ पोटेंशियल, मतलब कुछ उनका डिफरेंस चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर हमको क्या करना है, एक बोतल में दिखाए थे एग्जाम्पल में, ऐसे रहेगा तो पानी बिल्कुल क्या रहेगा, इक्वल, ऐसे कर देंगे तब क्या होगा, पानी ऊपर से कहाँ चला गया, तो किसी भी चीज को मूव कराने के, मान लीजिए पुल पे आप हैं, पुल पे हैं, पुल पे ऐसे रहेंगे तो कुछ होगा, दोनों क्या है, बराबर है, जैसे ही ऐसे ढलाव पे आएंगे तो तुरंत कहाँ चल जाएंगे, नीचे। कोई भी चीज को मूव कराने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना तभी वो चीज मूव करेगा, नहीं तो नहीं। तो बताए थे इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, सब सिखाए थे, चार्ज वर्ज सिखाया था कि जो करंट जो फ्लो करता है, कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्या है, कन्वेंशन है, क्या है, कन्वेंशन। एक्चुअली में फ्लो कैसे करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या सिखाए थे, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, क्या हो गया, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के सरफेस पे प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सर्फेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ कंडक्टर एंड प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर और इंसुलेटर नियर द गिवेन कंडक्टर, मतलब किसी भी
सरफेस कंडक्टर पर जो सरफेस डेंसिटी है चार्ज का वो किस पर डिपेंड करता है, उस कंडक्टर के शेप पे। तो किसी भी कंडक्टर का चालक का जो सरफेस डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करता है, उस कंडक्टर के शेप पे, और उसके अगल बगल जो क्या है दूसरा इंसुलेटर या कंडक्टर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हम लोग आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसके क्या ही यहाँ से हम बोलना चाह रहे हैं। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट एनी पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो सरफेस डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो डेंसिटी क्या होगा उतना कम होगा। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे कि एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक होता है क्या पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या घनत्व, क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या होता है ये जनसंख्या घनत्व। जैसे अगर आज हम जनसंख्या घनत्व का बात करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग रहते हैं। तो अगर ज्यादा, तो किसी भी देश के लिए किसी भी शहर के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होना अच्छा है कम कम होना अच्छा है, बोलिए कम होना। मतलब जितना ज्यादा डेंसिटी होगा इसका मतलब क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में उतना ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में उतना ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, तो जितना जितना कम एरिया में क्या, जितना जितना कम एरिया में जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना डेंसिटी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जितना कम लोग में कम, जितना ज्यादा एरिया में जितने कम लोग रहेंगे तो उतना डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छा दिखाता है ज्यादा कि कम, मतलब और किसी से शहर का डेंसिटी अगर अच्छा ज्यादा है तो वहां के लोग खुशहाल होंगे या दुखहाल में होंगे, गरीबी होगा तभी तो बहुत ज्यादा एरिया में बहुत बहुत रहा है। बोलिए प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इंडिया का बात करें तो इंडिया का जो प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो डेंसिटी है वो है लगभग लगभग 352 358 के आसपास, ऐसा ही कुछ है इंडिया का प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग को रहना है। और बिहार में ये कितना है, बोलिए लगभग लगभग 1150 के आसपास है, 1128 के आसपास, 1128 लगभग है, 1128। ठीक है, और अगर हम डेंसिटी का बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी का, पूरे इंडिया में क्या है नंबर वन, सबसे ज्यादा जनसंख्या घना तो कहाँ पे है, बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल है ना, उसके बाद कौन सा है वेस्ट बंगाल। और इंडिया का बात करें डेंसिटी में तो कितना स्थान है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है, किसमें पॉपुलेशन में इंडिया क्या हो चुका है फर्स्ट। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सिटी आबादी के बारे में हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें किसका, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि बिहार में सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, या बिहार के किस वाले नॉर्थ में साउथ में ईस्ट में वेस्ट में कहाँ पे ज्यादा डेंस, बहुत सारा इसमें सवाल बनता है, क्या में तो कुछ भी आ जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बना लीजिए कुछ भी। उसी प्रकार क्या हो गया सरफेस डेंसिटी हो गया, क्या हो गया सरफेस डेंसिटी। तो यहाँ पे आबादी था लोग और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो गया सरफेस डेंसिटी, मतलब आपके क्षेत्रफल पे, आपके क्षेत्रफल पे जितना क्या है चार्ज है उसको हम क्या बोल देंगे सरफेस डेंसिटी। तो क्या बोल दिए, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट एनी पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द, क्यों इनवर्सली है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा, ज्यादा एरिया सरफेस डेंसिटी क्या कम, और कम एरिया एसडी क्या ज्यादा।
कम एरिया कब होगा? जब रेडियस क्या हो, क्योंकि जितना, जैसे मान लीजिए हमको 10 लोग को बैठाना है, तो जितना ज़्यादा एरिया बैठाएंगे उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा, और जितना कम जगह बैठाएंगे उतना कम जगह पर ज़्यादा काम हो जाएगा। बोलिए। इसीलिए कोई भी चीज़ को हम लोग क्या रखते हैं, पॉइंटेड रखते हैं, कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। बोलिए। तो अगर क्या, अगर पॉइंटेड चीज जैसे कि जो होता है क्या, तारक, क्या क्या बोलते हैं उसको, परिचालक, परिचालक, वो क्या रहता है, पॉइंटेड रहता है ना, क्या रहता है, पॉइंटेड रहता है। आप देखिएगा कोई भी टावर के ऊपर में एक थोड़ा लंबा सा डंडा निकला रहता है, अब बत्ती भी, क्यों, क्योंकि वही वहीं से क्या होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, वहाँ तो कर जाएगा फटाक, है ना। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस कम रहेगा, एरिया भी क्या हो जाएगा कम, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज का एस डी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते। अब कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर, कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जो जानता है वो ध्यान से पढ़िएगा, कौन कौन सा कंडक्टर, सबसे हाईएस्ट कंडक्टर, सबसे ज्यादा कंडक्टर कौन सा, बेस्ट कौन सा है, सिल्वर, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कौन कौन सा है, सिल्वर और कॉपर, क्या सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स। याद रखिएगा कौन कौन सा कंडक्टर है, कौन कौन सा कंडक्टर नहीं, क्या मेरे क्वेश्चन राइट आ जाएगा, ऑप्शन रहेगा, कंफ्यूज कर जाएगा। मेटल्स लाइक सिल्वर, आयरन, कॉपर सब क्या है, कंडक्टर है। अर्थ स्पेशली द मॉइस्ट पार्ट एक्ट लाइक अ ह्यूज कंडक्टर, मतलब अर्थ का जो मॉइस्ट पार्ट है, नमी वाला क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा क्या है, कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर एंड कॉपर को रखिएगा साथ में, सिल्वर एंड कॉपर, बेस्ट में सिल्वर होगा नंबर वन, नंबर टू क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है ना, अगर होगा तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देख ही रहे, अब क्या क्या हो गया, इंसुलेटर जो जिससे लाइट पास नहीं होता, जैसे कि बेसिकली क्या हो गया, प्लास्टिक का सामान, रबड़ का सामान और लकड़ी का सामान, ये सारा क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू पास इट, तो वुड हो गया, पेपर हो गया, माइका, ग्लास, एबोनाइट, ये कंफ्यूज कर सकता है, ऐसे बोल देगा एबोनाइट इज, एबोनाइट क्या हो गया, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ करेंट, ये सब बोल देगा, वुड, पेपर, माइका, ग्लास, इबोनाइट को नहीं बोलेगा, है ना भाई, पहले सब लिखा हुआ है आप लोगों का पहले से। अब देखिए इसको, ये नया स्लाइड जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और रट लीजिएगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कंडक्टर क्या क्या हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो गया, कंडक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट कौन सा हो गया, सिल्वर, उसके बाद कॉपर। इंसुलेटर, ग्लास, रबर, ऑयल, प्लास्टिक, डायमंड, डायमंड भी क्या हो गया, इंसुलेटर। ये कौन कंडक्टर है, कौन नहीं है, तो ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, प्लास्टिक हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड भी क्या है, इंसुलेटर, और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज ए, जल्दी बताओ, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखिएगा सेमी में क्या आ गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, गैलियम, इसको लिख लीजिए, बार जिसे आप लोग नोट कर लीजिए, प्रिंस वर्स ने, बाबर मेरा नाम लीजिए, नाम प्रिंस कुमार, ओके प्रिंस बाबू,
गुड में क्या हो गया, ग्रेफाइट भी हो गया, मान ली ग्रेफाइट आ गया, ग्रेफाइट कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है ना। अगर नहीं पता रहेगा तो कर जाइएगा, आता हुआ गलती हो जाएगा, एकदम रट लीजिएगा। सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन जर्मेनियम सेलेनियम, हो गया। तो एक अभी एक क्वेश्चन आया था बीपीसी असिस्टेंट में, इसके बारे में, सुपर कंडक्टर के बारे में, कि जीरो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर नॉन कंडक्टर सुपर कंडक्टर इंसुलेटर। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है कि लो टेम्परेचर पर होता है, पहला चीज ये, एग्जिबिट जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। जो सुपर कंडक्टर का जो खासियत है वो ये है कि सुपर कंडक्टर होता है, जो भी क्या होता है सुपर कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बाबू, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है जीरो, क्या होता है रेजिस्टेंस जीरो, और उसका जो क्या होता है कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है इनफाइनाइट, मैक्सिमम क्या होता है कंडक्टिविटी, मतलब कि उसमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होता है किस सुपर कंडक्टर में, और सबसे ज्यादा क्या होता है वो सुचालक होता है, ठीक है। थर्ड मरकरी जो है, जो आपको विश्वास नहीं होगा, मरकरी इज ए सुपर कंडक्टर, एग्जाम में आ जाएगा मरकरी क्या है, एकदम आप गलती मार के आएगा पक्का बात। मरकरी क्या है, कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, इंसुलेटर है ना, मरकरी इज ए सुपर कंडक्टर। बाकी तो फिर एग्जाम्पल सब है, मरकरी एंड लेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ML है ना, ML मरकरी और लेड क्या है, ये सुपर कंडक्टर, बाकी तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल। तो इतना ही तीन बात लिख लीजिए, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। अभी एक एक सुपर क्लास लेंगे एक दिन, पूरा एकदम प्लैनेट्स यूनिवर्स का 3-4 घंटे क्लास लेंगे, पूरा एकदम एक एक चीज़ बताएंगे, हर चीज़ पूरे यूनिवर्स का अर्थ वर्थ सारा चीज़ बताएंगे उसमें, एवरीथिंग विद कंप्लीट क्या एक्सप्लेनेशन। मंडे मंडे क्या मंडे को लेके संडे, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट। हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकरी एंड लेड आर सुपर कंडक्टर्स। चलिए कूलम्स लॉ याद है आप लोगों को, पढ़ा दिए सब सारा चीज, कूलम्स लॉ के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। एक का मान कितना था, कितना मान था, 9×10⁻¹। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था ना, तो पढ़ाया हुआ है बस। देखिए अभी क्वेश्चन आया था किसमें, बीपीसी असिस्टेंट में,
जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां कहां से कहां फ्लो करता है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, अभी क्वेश्चन है, नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कौन सा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो कंफ्यूजन है। इलेक्ट्रिक कौन सा है, स्केलर, करंट क्या है, स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एक बार आप लोग साइड में करंट जो है वो न्यूमेरिकल के भी लिहाज से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या करंट, आप लोग साइड में सारे फॉर्मूलाज को भी एक बार लिखते हुए चलते हैं ताकि बाद में सबको मैं एक बार क्या, जो फॉर्मूला मिला उसके ऊपर लिख लीजिए साथ में कि अभी तक फॉर्मूला नहीं आया है, आ गया तो इनवर्सली था, अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं, तो ये आ गया एफ बराबर के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, नेक्स्ट आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो कंडक्टर क्या होता है भाई, तो हम लोग बताया थे गाड़ी के अंदर क्या होता है, एयर होता है, तो वहां पे क्या बैठना इजी है ना, याद है ना आप लोगों, जब भी क्या बिजली चमके कुछ भी करते तो कहाँ बैठ जाइए, गाड़ी में, जो जो भी चार्ज है वो क्या होगा, बाहर में रहेगा, अंदर में हवा है इसलिए अंदर में नहीं आएगा, ठीक है, फिर आपको क्या सिखाए थे, जो भी चार्ज है वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लो टू हाई की हाई टू लो, बोलिए कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दुनिया में हर चीज फ्लो कैसे करता है, हाई टू लो, ठीक है, तो चार्ज भी फ्लो कैसे करता है, हाई टू लो, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या सिखाया था आप लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फेनाइट टू दैट पॉइंट, मतलब इन्फेनाइट से उस पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई, सेकेंड फार्मूला क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी से दिखाते हैं पोटेंशियल को, है ना, वी इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू बाई सी, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इक्वल टू तो क्या W इक्वल टू V इंटू सी भी हो जाएगा, ठीक है, ये किस तरह क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए किसी भी चीज को जैसे ये टंकी है, क्या इस टंकी में पानी फ्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे फ्लो करेगा कब तक, जब तक कि दोनों का हाइट क्या नहीं हो जाए, सेम ना हो जाए, कभी भी कोई मूवमेंट कराने के लिए कोई डिफरेंस होना क्या है, जरूरी है, सेम रहेगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन तभी मूव करता है जब उनके बीच में क्या हो, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, वही बात है, तो किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर,
और कनेक्टेड इन किसमें, पैरेलल। ये किसमें होता है कनेक्ट, पैरेलल में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। सब एग्जाम में क्वेश्चन अभी जितना भी एग्जाम ऐसा में सब सब पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या हो गया भाई, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिटी। मतलब किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, अब क्या है इसका, इट्स ए पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज बाय वी व्हेन अ चार्ज क्यू इज गिवेन टू इट, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज क्यू बाय वी। अगर हम बात करेंगे क्या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर क्या हो गया, चालक का क्या हो गया, कैपेसिटी क्या हो गया, क्यू भाई भी। यहाँ क्यू क्या है और भी क्या है, पोटेंशियल। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, वर्क, और सी क्या है, अब क्यू भी बोल सकते हैं। एवरीवन, इसका क्या होगा ऐसा यूनिट, फेराड। ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, फेराड होगा। बच्चा गलती कर देता है हमेशा। चले आगे, ठीक है, कैपेसिटर क्या हो गया, क्या हो गया कैपेसिटर, क्या हो गया कैपेसिटर, कि चार्ज इज स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। पंखा में क्या लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है, नहीं पंखा का स्पीड क्या आता है, कम हो जाता है, तो हम लोग चेंज क्या करते हैं, तो हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है, कैपेसिटर होता है ना। कैपेसिटर वर्क्स ऑन एसी एंड डीसी बोथ, इट स्टॉप्स डीसी एंड फ्लो ऑफ एसी। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, पढ़ जाके नेक्स्ट, ये सब सारा कुछ था, कॉम्बिनेशन था, है ना। इसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल में क्या होता है, वन बाई आर बराबर प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस में होता है। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें सीरीज में क्या होता है, ये वाला, और पैरेलल में क्या होता है, उल्टा होता है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल का बात कल करेंगे। देखिए सेल का पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा ला दिया है। इस सेल से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है और थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, है ना। इस सेल में कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टिक सेल के बारे में पूरा पूरा डिजाइन दिमाग में रहेगा तो कभी सवाल गलत नहीं बनेगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डैनियल सेल, ठीक है, देखिए हम पढ़ाने के लिए तब से ला के सेल भी रखे हुए हैं, सब सेल भी सब रखे हुए हैं, उतना दिन से लाकर रखे हुए हैं, कोई समय लाए थे। फिर जो निकेल लिखा हुआ है, एनआईसीडी लिखा हुआ है ना, निकेल कैडमियम, ये कौन सा सेल हो गया, चार्जेबल, कौन सा नहीं होता है खिलौना में, सब लिखा हुआ है ना, एनआईसीडी, एनआईसीडी नहीं लिखा हुआ है, निकेल और कैडमियम नहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा है, एनआईसीडी दिखा था, एन आई सी डी लिखा हुआ। तो ये हो गया निकेल और कैडमियम। मोबाइल में क्या होता है, लायन होता है, नहीं बताया, लायन, लायन, तो एल आई और ओ एन, लिथियम आयन, क्या होता है, लिथियम आयन। ये कौन सा हो गया, लेक्लांचे सेल हो गया, ये ड्राई सेल हो गया, ये वाला क्या हो गया, ड्राई सेल हो गया, यूरा सेल, ड्राई सेल, ड्राई सेल है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह एग्जाम में आता है कि कौन सा किसका रॉड रहता है, केमिकल रहता है ना भाई, सब कुछ एग्जाम में आता है। वेट सेल, ड्राई सेल, सेल कल पढ़ाएंगे। देखिए ये हो गया क्या, ये बहुत बार पूछा हुआ है, फोटोवोल्टिक सेल किसमें होता है, रहता है, क्या रहता है, सिलिकॉन लेयर रहता है, ये सब कल पढ़ाएंगे। अब देखिए बैटरी देख रहे हैं, जो भी है बैटरी आप इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला बैटरी कौन सा है, लेड एसिड, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा एसिड है, लेड एसिड। जो हम लोग बाइक वाइक में यूज करते हैं क्या होता है, सील्ड लेड एसिड, ठीक है।
देखिए ये निकेल वाला बैटरी है, ये निकेल कैडमियम बैटरी है, ये वाला NICD है ना, ये क्वाइन बैटरी है घड़ी उड़ी वाला, ये जिंक कार्बन बैटरी है, और ये लिथियम आयन मोबाइल वाला, ठीक है। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन कि लेड एसिड बैटरी जो है ये ग्रीन है, ये NICD है, ये NIMH है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में जो बोलता है कि जब हम लोग घर में बैटरी यूज करते हैं वो क्या होता है, तो कौन सा होता है, लेड एसिड बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये पूछता है, ये हम लोग बात करेंगे इसके बाद। ये आगे बढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा क्या है, क्लोज्ड है। जो हम लोग स्विच इसे ऑन ऑफ करते हैं तो क्या होता है, स्विच ऑफ करते हैं ये क्या हो जाता है, ऐसे हट जाता है, क्या होता है ऐसे, ये स्विच के पीछे में क्या रहता है, वो इस तरह का प्लग लगा रहता है, इसे आप ऑफ करेंगे तो ये इससे हट जाएगा, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं होगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं कुछ बिजली का काम करते हैं, चप्पल पे या लकड़ी पे खड़ा हुए करते हैं कि जो सर्किट, अर्थ क्या है, अर्थ कौन सा चार्ज है, अर्थ का पॉजिटिव कि नेगेटिव, क्या चार्ज है बोलो, तो क्या हो, करंट फ्लो, वो सर्किट क्या हो जाए, टूट जाए। बताया था आप लोग को, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन कन्वेंशनली हम लोग क्या माने हुए हैं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एनसीईआरटी का लाइन है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इंटरवल, इट्स डायरेक्शन इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो करंट का जो डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, अपोजिट इसलिए है क्योंकि हम लोग करंट को पहले खोजे और इलेक्ट्रॉन को, बोलो, करंट पहले मिला इलेक्ट्रॉन बाद में, तब तक हम लोग करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव मान चुके थे, बोलिए, और हर जगह सही करना पॉसिबल नहीं था तो कन्वेंशनली मान लिए, इधर करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट क्या मान लेंगे, करंट का मान, ये भी एग्जाम का लाइन है, क्या होगा, यूनिट एम्पियर, स्केलर क्वांटिटी, ये क्वेश्चन अभी आया है यूपीएससी असिस्टेंट में आया क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज मेजर्ड बाय, क्या कनेक्टेड इन सीरीज, स्पीड ऑफ करंट क्या है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इफेक्ट ऑफ क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इफेक्ट टू इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हम करंट को क्या माने हुए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पूरा लाइन एग्जाम का क्वेश्चन है, हर लाइन एग्जाम का क्या है क्वेश्चन, पूरा लाइन का एग्जाम का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सर्किट जानते हैं आप लोग, सब बताए थे आप लोग, तार निकाल के दिखाए थे भाई, इसका साइन कौन कौन सा है, याद है ना आप लोगों, वायरिंग में आप लोगों को सिखाए थे कि भाई तीन तरह का वायर होता है, कौन कौन, रेड ग्रीन और ब्लैक, रेड वायर कौन सा होता है, लाइव वायर, तो करंट क्या होता है, अर्थ क्या हो गया, जो अर्थिंग जो आता है वो कौन सा होता है, ग्रीन, और ये जो होता है वो कौन सा होता है, ब्लैक, देखिएगा यहाँ पे, इसमें लगेगा रेड वायर, इसमें प्लस वाले में क्या लगेगा, रेड वायर, और इसमें क्या लगेगा, ब्लैक वायर, किसमें, बैटरी में, ये क्या हो गया, लाइव वायर हो गया, ये वाला क्या हो गया, बोलिए, अर्थिंग वायर, और ये क्या हो गया, जैसे ये वाला AC वाला है, इसमें तीनों वायर है, देखिए लाल भी है काला भी है, हरा इसी को मिला दिया है, लेकिन हरा अलग से होता है ना भाई,
चलिए, और अर्थ वायर का बेसिकली काम क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स लीक कर रहा है उसको कहाँ वापस अर्थ में, तो बहुत जगह फ्रिज को छुइएगा तो मारेगा करंट धाए से, समझिए कि उसमें अर्थिंग ठीक से नहीं किया हुआ है। अर्थ का काम क्या है, जो भी हेवी अप्लायंसेज है उसमें अगर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, जो भी लीक करंट हो रहा है, लीक इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसके बॉडी में नहीं जाके बल्कि कहाँ हो जाए, चला जाए वापस अर्थ में चला, है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन सा, डीसी और एसी। डीसी क्या हो गया, करंट से, अगर आप बैटरी से कोई भी करंट लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीसी बोलेंगे। बैटरी से लिया गया करंट क्या है, ठीक है, ऐसा धारा जिस का मान नियत किस धारा कहलाती है, यह धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त की जाती है, मतलब सेल से, बैटरी से, तो इन्वर्टर से जब हम लोग लाइन लेते हैं वो कौन सा होता है, डीसी, ठीक है। और जो भी बिजली हमारे घर पे आता है वो क्या आता है, एसी आता है। जो हमारे घर में बिजली आता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, वो कितने वोल्ट का आता है, 220 वोल्ट का एसी आता है, और 50 हर्ट्ज उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, घर में कौन सा लाइन आता है, एसी आता है, कितने वोल्ट का आता है, 220 वोल्ट का, कितने फ्रीक्वेंसी का आता है, 50 हर्ट्ज। क्या आप लोग घर जाइएगा सबको हटा दिए, हर बिजली काम हम करेंगे, कर जाएगा है। देखिए ये वाला क्या हो गया भाई, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे। चलिए एसी और डीसी में क्या अंतर है, डीसी क्या चलता है, सीधा, और एसी क्या चलता है, ये ज्यादा खतरनाक है, ये क्या है, ज्यादा खतरनाक और ये कम खतरनाक। एसी क्या है, कर्म क्या है, खतरनाक है, और एसी क्या है, खतरनाक। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एसी और डीसी। चलिए अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं फिर से एक बार, कि जो अल्टरनेटिव करंट है वो कहां से आता है हमारे घर में, ट्रांसफार्मर से होते हुए आता है, और जो डीसी वो कहां से आता है, जनरेटर से, बैटरी से, सेल से आता है। जो एसी है वो ज्यादा एफिशिएंसी उसमें, और इसमें क्या होता है, लेस एफिशिएंसी, तो मारेगा तो उड़ा देगा सीधा एकदम एक के बार में, समझे। पावर जो जंक्शन है, आप खुद सोचिए, बैटरी से पावर लेना ज्यादा सस्ता है कि जनरेटर से, कि जो बिजली आ रहा है उससे, बिजली आ रहा है उससे वो सस्ता है, और सब क्या है, बहुत महंगा है। रात भर चला देंगे अगर जनरेटर, तो अगर बैंडे बच जाएगा, नहीं बचाएगा, महीना भर का बिजली भी लेके दिन में निकल जाएगा क्या। इक्विपमेंट एसी का क्या है, लेस, और इसका इक्विपमेंट क्या है, नॉट सेफ। जो एसी वो क्या है, बहुत हाई वोल्टेज है, जो डीसी वो क्या है, लो वोल्टेज। बैटरी वाला क्या है, लो वोल्टेज है। मान लीजिए कि जो चल रहा है बैटरी से उसमें लगा दीजिए, जो तार खोल दीजिए, उड़ नहीं जाएगा, उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। तो जैसे ये वाला, ये जो आपस में बात कर रहे हैं, ये क्या है, डीसी की एसी, इसमें जोड़ देंगे तार तो क्या होगा, उड़ जाएगा ना, नहीं काफी है, लाइन दो लाइन तीन लाइन चार, नहीं इतना काफी हम लोग के लिए भी है, नॉट सो थोड़ी सी बिल्डिंग फील्डिंग से क्या मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन एक और है, पावर लाइज 0 एंड 1, और यहाँ पे क्या, इट इज ऑलवेज, और फ्रीक्वेंसी वाला भी इम्पोर्टेंट लाइन था जो हम लोग पढ़ चुके थे, फ्रीक्वेंसी, हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिव करेंट इज 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, मतलब या तो 50 हर्ज होगा या तो कितना होगा, 60 हर्ज होगा, वो कंट्री कंट्री पे डिपेंड करेगा। तो इंडिया में कितना हर्ज है, 50, अगर और लगा देगा तो मत मार दिएगा दोनों, ये हर एक अलग अलग है। इंडिया में कितना है फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ज ऑल्टरनेटिव करंट का, लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, कैसे होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वेव में ना होता है जी, फ्रीक्वेंसी इसमें ना होगा, इसमें क्या फ्रीक्वेंसी होगा, समझे, इसी सीधा है तो इसमें इसमें क्या फ्रीक्वेंसी होगा, इसी ना ऊपर नीचे आ रहा था, इसमें फ्रीक्वेंसी होगा, बोलो, वेव में ना होता है फ्रीक्वेंसी, बोलो, चलिए अब क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, मतलब करंट के फ्लो में जो आप क्या करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये क्यों होता है, क्योंकि जो ड्रिफ्टिंग मॉलिकल्स है उसका कॉलिजन है, जिसके कारण क्या होता है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें करंट फ्लो कर देंगे तो आपस में क्या करेगा,
कराएगा, जिसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। यूनिट क्या है, ओम। अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं ना मिला है। चलिए वेरिएबल रेजिस्टेंस को मतलब बात दिया। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर तो एक कंडक्टर हैविंग सम रिसीवेबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रजिस्टर। इसमें क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस हो उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर। इसका रेक्टिफायर, दोनों अलग अलग चीज है। क्या हो गया, रजिस्टर मतलब इसमें रजिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, रेक्टिफायर। वो क्या है, ब्लैक वाला बड़का, क्या है वो है एम्पलीफायर। क्या है, देखिए कंफ्यूजिंग है, रेक्टिफायर एम्पलीफायर। तो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो माइक जिससे आवाज कर रहा है एम्पलीफायर बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई मतलब क्या करता है, बड़ा करता है। जो हम लोग बताए थे हियरिंग एड में जो आदमी लोग यूज करता है एम्पलीफायर, रेक्टिफायर एम्पलीफायर कन्फ्यूज कर जाएगा। तो रेक्टिफायर का काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, रजिस्टर का काम जो रेजिस्टेंस में अपना काम कर रहा है, एम्पलीफायर का काम साउंड को एम्पलीफाई बढ़ाना है ना। ठीक है आगे बढ़िए, एल एंड ए। ठीक है, तो रजिस्टर डिपेंड ऑन इट्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी भी कंडक्टर का जितना लेंथ बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा कोलिजन होगा। और जितना उसका एरिया बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जिस रोड में जाम होता है, याद है ना, मतलब एग्जाम्पल दिए थे, रोड पतला रहेगा तो जाम ज़्यादा होगा, रोड में क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो जाम क्या होगा, कम होगा। रोड चौड़ा हो गया तो कॉलिजन कम होगा, है ना बात। ये सब क्वेश्चन था जो हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। अब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन, और पैरेलल वन बाई आर बराबर वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस डॉट वन बाई आर एन। तब पे हम लोग पूरा क्वेश्चन भी कर चुके हैं बाबू, जब हम लोग का हो चुका है। चलिए ओम्स लॉ, बी इक्वल टू आई आर, ठीक है, बी इक्वल टू आई आर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ओम्स लॉ में, बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, वोल्ट के, वोल्ट करंट के, वोल्ट करंट, वोल्ट करंट के, करंट वोल्ट के। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी अगर बोलेंगे, बस बादल समझे ना, वी इज क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसको हटाने क्या बोल रहे हैं, वी इक्वल टू आई। देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर विच ऑबेज ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस। चलिए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या हो गया, द रेजिस्टेंस ऑफ सच मटेरियल विच डू नॉट ऑबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस इज एन ओमिक रेजिस्टेंस बोल देगा या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा बोल देगा। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड बल्ब और डायोड बल्ब सब क्या है, ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। बोल देगा कि विच रेजिस्टेंस डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, मतलब जहां पे वी बट आई नहीं होगा। ओम्स लॉ क्या हो गया, वी इक्वल टू आई आर। तो कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब वी इक्वल टू आई आर में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई। तो किस रेजिस्टेंस में आर इक्वल टू वी बाई आई नहीं होगा, तो किस में नहीं होगा, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड बल्ब में और डायोड बल्ब में ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। कांट मान लिएगा, मान लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है नेक्स्ट, कंडक्टेंस चालकता क्या, तो अब जितना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा उतना कम क्या होगा, चालकता होगा। जितना कम क्या होगा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा क्या होगा, चालकता। मतलब कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इन प्रोपोर्शनल टू इच अदर। इसका क्या हो गया, ऐसा यूनिट महो और सीमन। फॉर्मूला याद है आप लोगों को सब, चलिए आगे। इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, वी इंटू आर इक्वल टू
इंटू वी इंटू, और या तो आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, पावर इक्वल टू क्या हो गया, वोल्ट इंटू वी इंटू आर, या क्या बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर बाई क्या होता है आई आर आई आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर। चलिए नेक्स्ट, पावर कंज्यूम बाय द सर्किट क्या होता है, भी इंटू आई, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर क्या हो गया भाई, इट इज जो भी हम लोग का बिजली बिल होता है वो किस में था, किलोवाट आवर, ठीक है, और वाट आवर क्या हो गया, वाट इनटू आवर क्या हो गया, वोल्ट, नहीं ये पावर में हो जाएगा आगे बढ़, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन क्या हो गया, पी इंटू टी बाई 1000 किलो किलोवाट पर आवर, है ना, किलोवाट आवर, तो जो भी हम इलेक्ट्रिक कंज्यूम करते हैं वो किस में होता है, किलोवाट में होता है, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर हमने क्या किया, कंज्यूम किया गुना टाइम बटा कितना हजार, क्या बन जाएगा के डब्ल्यू एच, उतना किलोवाट आवर मेरा हो गया, जो रेट है उसे हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो गया मेरा कंजम्पशन कितना हो गया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंजम्पशन क्या हो गया, पी इंटू टी बाई 1000 किलोवाट आवर, पी इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी बटा 1000 किलोवाट किलोवाट, क्लियर, नेक्स्ट अमीटर क्या हो गया, अमीटर काम क्या है इसका, टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट, इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज इन द सर्किट, इट शोज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर इज, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये सब लाइन, जैसे कि फर्स्ट लाइन क्या हो गया, सब लोग जानते हैं कि क्या होता है एमिटर, क्या होता है करंट नापने के लिए होता है, ठीक है, इसको किसमें हम लोग जोड़ते हैं, सीरीज में, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सिर्फ क्या दिखाता है मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कन्फ्यूज कर देगा, क्या इसका रेजिस्टेंस है, जीरो, वोल्ट मीटर वही चीज है, इसका क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट, देखिए इसका क्या हो गया इनफाइनाइट, क्या में आ जाएगा ऑप्शन एक साथ, क्लियर नहीं रहेगा पक्का गलती बनेगा, तो एमीटर का क्या हो गया रेजिस्टेंस जीरो, और वोल्ट मीटर इनफाइनाइट, एमीटर जीरो वोल्ट मीटर इनफाइनाइट, एमीटर वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर, है ना, ये क्या हो गया, इट इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर करंट इन अ सर्किट, इट कैन मेजर करंट अप टू 10 टू द पावर 6 एम्पीयर, इट शोज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ, तो एमीटर में और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर है, वहां सिर्फ क्या मिलता है मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या मिलता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, वो हर तरह के करंट के लिए होता है, ये सिर्फ छोटे करंट को नापने के लिए होता है ना, इससे बहुत बड़ा असर का करंट नहीं नाप सकते, देखते हैं ना जब रखता है जो बैटरी वटरी में से नापता है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए, चलिए तो हम लोग इसके आगे रोकते हैं कहानी, इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, चलिए सारा बेसिक हो गया हम लोग का, ये सब पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, टेमिंग्स रूल ये सब, हीटिंग इफेक्ट ये वाला पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर जितना पढ़ लिए हैं पहले उस पर हम लोग काम कर लेते हैं, अभी ये सब तो मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा हो गया, ये हम लोग किए थे, ये भी नहीं किए थे, पूरा एक चार्ट बना दिए हैं, सर एग्जाम में क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर कहाँ पे लगता है, हियरिंग एम्पलीफायर कहाँ लगता है, एसी इनटू डीसी में सब था,
इसको हम लोग अभी बाद में फिर आप लोग पाएंगे। चलिए पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जहाँ पढ़ लिए ना वहाँ तक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि आप लोग रिवाइज करा दिए कि न्यूमेरिकल करना है तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बोलता है ऑफ 0.5 एम्पीयर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट। जल्दी जल्दी बनाइए, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट। तीन सौ हो गया यार, अभी तो पांच बोल रहे थे। यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट डाले हुए हैं, आई बराबर क्यू बाई टी है, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है करंट, वहां पे था ना बीच में, ये था ना फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू बाई टी था ना। बोलो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहाँ पे सवाल क्या बोला, सवाल बोला अपना कि आप लोगों को फोटो थे इसका, इसका फोटो नहीं, ठीक है। सवाल बोलता है कि ये करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो ये क्या हो गया इसका, इसको क्या बोलें, क्या है ये आई है, इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर कितना मिनट, 10 मिनट, टाइम कितना हो गया 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द, तो I बराबर कितना हो गया, Q का मतलब कितना हो गया, I इंटू टी। ध्यान रखना कि यहाँ पे टाइम किस में होगा, सेकेंड में, I किस में होगा, एम्पियर में, और Q किस में होगा। अब I मेरा कितना है, 0.5 एम्पियर सही है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा पंगा है कि टाइम चाहिए हमको सेकेंड में, टाइम है किस में, तो कन्वर्ट कर लेंगे किस में, सेकेंड में। कितना हो जाएगा 300 कुल 300 बनाइएगा अपने, 9th क्लास का बुक का क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्या होगा, सेम क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी बोलिए क्या होगा। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ टू कूलम Across two points having a potential difference is 12 volt. 12 volt विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? बोलो क्या हो गया भाई, तो वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज ये था, ये था क्या था, क्या था, W by Q, क्या बोले थे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये था, बोलिए, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। चार्ज तो नेगेटिव है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मानते क्या है,
पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कब हुआ? करंट के बहुत साल बाद। तो वोल्ट कितना हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क कितना है बाबू, ये हमको निकालना है, और चार्ज कितना है दो, और डिफरेंस कितना है 12। वर्क क्या हो जाएगा 24 जूल। सोचिए ये सब क्वेश्चन अगर छूट जाए एग्जाम में कितना अफसोस का बात है ना, या छूट ही जाएगा, अगर नहीं पता रहेगा तो छूट ही जाएगा क्या। चले थर्ड नंबर, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। अगर मान लीजिए कोई बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1200 ओम है, और 220 वोल्ट का इसमें ये, तो कितना करंट ड्रॉ हो रहा है आप। दूसरा क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। हो गया, क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है वोल्ट, और ये क्या दिया हुआ है, क्या हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I का मान क्या हो जाएगा V बाई T, कितना 220 बटा कितना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 बटा कितना, क्या बनाते रहिए, हम पीडीएफ भेज देंगे, ये नहीं खाली बनाते रहिए। बाद में फोटो खिंचवा देंगे। नेक्स्ट बोलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 6 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। मतलब कि भाई 8 वोल्ट का है और करंट कितना हो रहा है 4 एम्पियर का। अगर 120 वोल्ट का पोटेंशियल हो तो कितने एम्पियर का करंट ड्रॉ होगा, डबल कर रहे हैं। देखिए पहले वोल्ट कितना था, बोलिएगा पहले वोल्ट कितना था 60, और कितना था रेजिस्टेंस आई, कितना है आर एम, आर कितना हो जाएगा भी इक्वल टू आई आर, आर कितना हो जाएगा भी बाई 60/4 कितना 15 ओम। अब क्या बोलता है, अब बोलता है दोस्तों अब वोल्ट कितना हो गया 120 और आर कितना हो गया 15, क्या निकालना है आई, आई कितना हो गया भी बट्टा आर,
120 बटा 15 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्यों डायरेक्ट करेंगे ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, जानते हैं ना बाबू, सॉरी V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। इस क्वेश्चन में क्या सेम है, क्या सेम है, R, तो R सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V1 बाई I1 बटा V2 बाई, तो R सेम तो क्या हो जाएगा, R सेम तो क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 बराबर I1 बाई I2। अब V1 कितना है 60, V2 कितना है 100, I1 कितना होगा 4, तो I2 कितना हो जाएगा 8, डबल हो रहा है ना। चले आगे लिख लिए, नेक्स्ट एक एक समझ और छोड़ी दी हम लोग वाला, फॉर्मूला नंबर 7, इसको भी आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बटा एरिया, बताते हैं ना कि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, R इक्वल टू क्या बोले, रो इंटू एल बाई ए, लिख लीजिए। चले आगे एक बार मैं लिख लीजिए, नहीं इसको इस सवाल को, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इज ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। इसी धातु के 1 मीटर लंबे तार 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, तो तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है, तो उस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, लेंथ 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, कितना 10 का पावर ऐसे मिली सेंटी डेसी, तो कितना हो गया 1, 2 और 1, 3, तो कितना स्टेप ऊपर, 3 स्टेप ऊपर, ये लेंथ हो गया, डायमीटर कितना हो गया 0.3 मिलीमीटर, मतलब अगर हम रेडियस का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या ऐसे बोल देंगे 0.3 बाई 2 मिलीमीटर, अच्छा रहेगा, रेडियस क्या हो जाएगा 0.3 बाई 2 मिलीमीटर, बोलो बाबू, और क्या बोलता है यहाँ पे, ये हो गया इसका रेडियस, और क्या बोलता है, और आर का मान कितना है, कितना 26 ओम, तो बोलता है सवाल में रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, डायमीटर ऑफ द वायर, तो वायर का डायमीटर का बात करेंगे, तो वायर का हम क्या बोलेंगे, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन का बात हो रहा है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई गुना 0.3 × 0.3 बटा कितना, इसका एरिया हो गया, तो बोलता है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट दैट टेम्परेचर, मतलब उसी तापमान क्या होगा मटेरियल का रेजिस्टिविटी, इसके लिए हमको इसका कोई मतलब नहीं है, हमको क्या बोलना है, तो फॉर्मूला है कि R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो रो का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा R इंटू ए बटा एल,
आर का मान कितना दिया हुआ है 26, ठीक है, और एरिया का मान कितना दिया हुआ है पाई गुना 3 गुना 10 का पावर -2, बोलिए यही ना है, बटा कितना 4, और एल का मान कितना है क्वेश्चन में 10 गुना कितना -10 का पावर -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सबको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा सॉल्व हो जाएगा, रो का मान हो जाएगा। एग्जाम में करंट से बहुत न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि एक दो लाइन में बन जाता है और अच्छा क्वेश्चन रहता है, और करंट बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक है। चले चलिएगा, नेक्स्ट। द ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एल बाय 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 2 है। अगर इसको होता तो हम और इसको डीप में पढ़ाते और अच्छे से पढ़ाते, पूरा रिलेशन बना के, लेकिन उतना का जरूरत नहीं है, आप लोग जान लीजिए। क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए, आप आर एल और ए का बात कर रहे हैं, तो आर आर एल और ए किस में है, बोलिए, रेजिस्टेंस में है ना। आर वन इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू एल वन बाई ए वन, और आर टू क्या हो गया, रो इंटू एल टू बाई कितना हो गया, दोनों का जब मटेरियल सेम है तो इस रो का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा, R1 वन बाई आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 वन बाई एल टू इंटू ए टू बाई। चलिए अब बोल रहा है वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, का लेंथ कितना बोला L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस कितना ओम, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, इसका कितना हो जाएगा L by 2 एंड डबल एरिया, एरिया कितना हो गया 2 है, इसका मतलब क्या हो गया 4 बट्टा R2 बराबर बराबर 2L by L टू 2A by A, ये कट ये कट, तो 4 by 4 बराबर कितना हो गया R2, R2 का मान कितना हो गया, ठीक है।
चलें बनाइए, ऐसे कैसे होगा, एनर्जी में रहिए, भूल गया, एनर्जी डाउन हो रहा है, वैसे बनाइए, सब एग्जाम में आएगा, छूट जाएगा, फिर हर एग्जाम में आएगा, और जितना आप जाइएगा जीएस की तरफ उतने हर एग्जाम में आएगा। चले सब नाइन्थ टेंथ का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सब नाइन्थ टेंथ के किताब क्वेश्चन। सवाल बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज कितना, 20, लैंप का कितना रेजिस्टेंस है, 20 ओम, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, तो दोनों सीरीज में है ना, आर का मान कितना हो गया, आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट, से कनेक्ट कर रहे हैं 6, पहला मान के भी कितना यार, तो भी का मान कितना 6 और आर का मान कितना 24, आई का मान कितना 1/4, मतलब 0. क्या बोला, द करेंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से कितना करंट गया 0.2। अब क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, मतलब लैंप और कंडक्टर में पूरा का बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, भी कैसे हो जाएगा भाई, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू आई आर, और R कितना हो गया 24, I का मान कितना आ गया 1/4, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, पूरा कितना हो जाएगा 6। I 20 था ना, 20 दोनों का अलग पूछ रहा है, इसका जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, बोल रहा है कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यहाँ पे कितना हो गया 5 ओम हो गया किसका का? और इसका बात कर लेंगे 4 वाले का, 4 गुना कितना 1/4, यहाँ पे कितना हो गया 1, है ना। क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने का है 20 का है, बोलिए और करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.2, यहाँ पे कितना हो गया भी कितना हो गया आई आर, 20 गुना 1/4 कितना हो गया, कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना है, कितना रेजिस्टेंस है 4 और करंट कितना फ्लो कर रहा है 1/4, यहाँ पे वोल्ट कितना हो गया 1। हो गया ये, हो गया अक्रॉस द क्या, अक्रॉस द लैंप, एक हो गया अक्रॉस द कंडक्टर, तो इसका आंसर कितना हो गया 0.25 एम्पियर परिपथ पर कुल प्रतिरोध, कितना हो गया 24 ओम, कितना हो गया 0.25 एम्पियर, हरी वाला कितना हो गया 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट एंड 1, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल को तो आपको ध्यान से देखना है, नेक्स्ट चलें, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सीधा फॉर्मूला पुट करना है, सवाल बनाना है, आप लोग भी बनाइए आंसर, बोलिए फटाफट, चलिए चलो बनाइएगा 8 नंबर।
कुछ डरावना नहीं, बस देखने में डर लगेगा, कुछ है नहीं इसमें। बोल रहा है कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम बाहर निकाल लीजिए। फिर बोल रहा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब करंट थ्रू ईच, मतलब कि सबका निकालिए। तो जैसे कि 5 ओम है, आर आर मालूम है 5, और वोल्ट कितना, भी कितना हो गया, वोल्ट कितना है 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आई, कितना हो जाएगा भी बाई आर, 5 बाई सॉरी 12 बाई 5, 12 बाई 10, 12 बाई 30 हो गया टोटल करंट इन द सर्किट। आप पूरा आर निकाल लीजिए, आप वोल्ट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए भी बाई आर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वो निकल जाएगा एंड आर ने तो निकाल ही लीजिएगा। बनाया कि बन गया, बोलो बनाया कि बन गया। नेक्स्ट, तक इन फिगर आर वन का मान कितना है 10 ओम, आर टू का मान कितना है 40 ओम, आर थ्री का मान कितना है 30, आर फोर 20 और आर फाइव कितना 60, वोल्ट कितना है 12। वही चीज है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। बोलिए तो अगर हमको टोटल आर निकालना होगा दोस्तों तो हम कैसे निकालेंगे बताइए। ये वाला कितना है 10, ये वाला कितना है, आपको हम पैरेलल के लिए क्या सिखाए थे कि चार दोनों को गुना कर दिए, दोनों को जोड़ के भाग दे दिया, याद है ना आप लोगों, सिखाए थे ना। ये कितना हो गया, कितना केला कितना हो गया 2 के लिए, और 3 के लिए क्या बोले थे, कुछ नहीं बोले। 3 में कितना हो गया 20 और कितना 30, 20 और 50, 30, 20, 1/r इक्वल टू 1/30, 1/20 और 8 है 30, 20 और 60 और 1/60 पूरा कितना हो गया 60, 2, 3 कितना हो गया 10, r का मान कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया। अब मान ली दो दो सीरीज है, एक है इधर, इधर कितना हो गया 8, इधर कितना हो गया, अभी किस में आएगा, सीरीज में कि पैरेलल में, किस में आएगा, सीरीज की पैरेलल। क्या है तो सीरीज में ना आ रहा है, ऐसे सीरीज क्या होता है, एक एक से जा रहा है ऐसे, तो ये पैरेलल में कैसे जाएगा, ये तो सीरीज में जा रहा है ना ऐसे, अगर यहाँ पे करंट रुक जाएगा तो यहाँ करंट जाएगा। बोलिए ये क्या हो गया, ये सीरीज हो गया, पैरेलल कैसे हो गया, अगर यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ जाए, यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए तो इसके इससे कोई मतलब, मान ली करंट जा रहा है, फिर तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस अगर क्या खराब हो गया, इधर करंट निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, इससे प्रकार अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ गया, इधर करंट आएगा, इसमें आ गया सीरीज में, कितना हो गया पूरा रेजिस्टेंस, बोलिए 18, और सबका हर पॉइंट का निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना, बोलो ना, नहीं निकलेगा, ये समझ में आया, ये कैसे सीरीज में हुआ ये नहीं मालूम चला। इसका मतलब क्या होता है कि जब करंट फ्लो करे और बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो आगे वो प्रॉब्लम कंटिन्यू हो जाए, सीरीज हो गया, पैरेलल में वो कंटिन्यू नहीं। देखिए कि ये सर्किट है और यहाँ से करंट निकला, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस, अगर यहाँ मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, इससे कोई मतलब है, इसको करंट तो फ्लो करेगा इधर से अपना, ठीक है ना,
लेकिन अगर सीरीज में रहेगा, एक 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 यहाँ पे आ गया, तो अगर इधर से करंट आ रहा है तो अगर यहाँ पे ये रुक गया करंट, इधर करंट आएगा फिर आ गया सीरीज। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट बोलिएगा। तो सब निकाल दिए, कितना हो जाएगा 10 और 8। बोल रहा है क्या, परिपथ में कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया 18, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो आर मालूम चली गया, आर कितना हो गया 18, भी कितना है, भी कितना है 12, क्या निकल जाएगा, आई निकल जाएगा, टी बाई आर 12 बटा कितना 2/3 0.। बोलो बनाइए ध्यान से आप लोग, वो समझ में आया ना आप लोगों को कि सीरीज में क्यों हुआ? जब भी ऐसे रहेगा एक लाइन पे एक में रहेगा तो पूरा सब सीरीज में रहेगा, एक स्क्वायर के साइड में या रेक्टेंगल के साइड में रहेगा, सब क्या रहेगा सीरीज में। इसको सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीरीज नहीं बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट पी, व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एट 360 वाट। हो गया तो पी इक्वल टू भी इंटू आई पढ़ा है ना, अभी यहाँ पे क्या पढ़ा है, पी इक्वल टू भी इंटू आई नहीं पढ़े आप लोग अभी, क्या आप लोग बोल देते, लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ पे पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू करेंट पढ़ा है ना, इसमें लोग कितना डिस्कशन भी किए अभी, ये इलेक्ट्रिक पावर ही तो वाट में रहता है, पावर इसका यूनिट है पावर का, पर क्या हो गया भी इंटू आई या आई स्क्वायर आर या भी स्क्वायर बाई आर, पावर का यहाँ पे दिया हुआ है। क्या बोल रहा है सवाल में, सवाल में बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करेंट कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट, कब, व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट पे जब हीट कर रहे हैं एंड 360 वाट, तो यहाँ पे पी का मान कितना हो गया 840 और भी का मान कितना हो गया 220, पी इज इक्वल टू क्या हो गया भी इंटू मतलब 840/220, क्या हो गया आई का मान हो गया, कट गया कट गया, मतलब कितना हो गया 21 और 11, आई इक्वल टू कितना हो गया 21/11, क्या 42 होगा, 42/11, 42/11। जब पावर क्या रहेगा 360, तो कितना हो जाएगा 360 पावर वोल्ट, तो वही रहेगा 220, तो आई का मान कितना हो जाएगा 360/200, मतलब कितना हो जाएगा 18 एम्पियर। हो गया चलेंगे बच्चों आगे बढ़ेंगे, सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फंस जाइएगा, इसलिए फॉर्मूला हम पहले लिखवा दिए थे, ये था ना 11 नंबर। द 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, एच इक्वल टू आई स्क्वायर
या ये पढ़ाएं कि नहीं अभी, याद रख लीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाएंगे अभी, एच इक्वल टू आई एल स्क्वायर आर टी, मतलब हीटिंग जो होता है वो आई करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू टाइम, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, सारा फॉर्मूला एक जगह लिख के रट जाइएगा तोता की तरह एकदम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वोल्ट क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कैपेसिटी क्या हो गया, क्यू बाई वी, इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब चार्ज पर पोटेंशियल, इक्वल टू क्या हो गया आई आर, पी इक्वल टू क्या हो गया, पी इक्वल टू वी इंटू आई बराबर क्या हो गया क्यू बाई टी, और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन क्या हो गया, पावर इंटू टाइम बटा 1000 किलो वाट आवर। चलिए, बोलता है कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इस सेकेंड इन अ 4 ओम रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर। क्या बोलता है भाई, 100 जूल मतलब ये क्या हो गया, एच हो गया, और आर का मान कितना हो गया, एच इक्वल टू कितना हो गया 100 जूल, आर का मान कितना हो गया 4 ओम हो गया, ठीक है, और टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, 100 गुना आई स्क्वायर गुना आर का मान कितना 4 गुना 1, तो आई का मान कितना बोलिए 5, कितना 5, 5 एम्पियर। अब क्या बोल रहा है वोल्ट, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, 5 हो गया, आर कितना है, कितना वोल्ट 20 वोल्ट। हो गया, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चले नेक्स्ट, तो कल हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है ना, एक बच रहा है मैग्नेट, नहीं कल नहीं हो पाएगा अभी, और वो भी पढ़ाएंगे अभी, है मॉडर्न तो बाद में, केमिस्ट्री के बाद, मॉडर्न समझ में सही भी नहीं करेगा, पता कि सब यूरेनियम का कैसे फ्यूजन फ्यूजन सब नहीं पढ़ाएंगे कैसे, वो बच गया है सेमी कंडक्टर्स में जो भी डोपिंग वोपिंग कराते हैं एनपी सारा सब समझाएंगे, वो सब कल परसों तक खत्म हो जाएगा। देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करेंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पी इज इक्वल टू बी इंटू बी इंटू 220 गुना कितना हाफ, क्या पावर हो गया 110 वाट, हो गया ना, ठीक है बढ़े। चलिए ये बता दीजिए, लास्ट है, एंड इलेक्ट्रिक पंकज एंड इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, वट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रुपीज 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड कितना 400 वाट, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, मतलब फ्रिज है जो कि 400 वाट बिजली खपत कर रहा है रोज 8 घंटे, क्या करता है वो चलता है, तो अगर वो 30 दिन तक चलता है, बोलिएगा अगर 30 दिन तक चलता है और 3 रुपया पर किलोवाट प्राइस है, कितना बिल होगा, बताएं। देखिए
तो पावर क्या हो गया, पावर, पावर क्या हो गया, कंजम्पशन क्या हो गया, बोलिए, पी इंटू टी बटा 1000 किलोवाट। तो जितना पावर आप जितने टाइम तक क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना ना बिल आएगा। किस में आता है, किलो में आता है, तो किधर से भाग देते हैं, आप जितने टाइम तक इस्तेमाल करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही का क्या आएगा, उतना वाट, किलो वाट आवर आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम हजार से भागा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, वाट आवर, क्या हो जाएगा, पावर का क्या हो गया वाट, टाइम क्या हो गया आवर, तो क्या हो गया वाट इंटू आवर। हजार से भाग नहीं गुना करेंगे तो क्या होगा, वाट इंटू आवर। लेकिन जब भी हम वाट आवर में, वाट आवर बहुत छोटा यूनिट हो गया, क्या हो गया, बहुत छोटा, उसको बड़ा करने के लिए हमने क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया किलो वाट आवर। तो पावर कितना कंज्यूम किए, 400। और देखिएगा क्यू इक्वल टू आई टी में टाइम किस में होगा, सेकेंड में, यहाँ पे टाइम किस में रहेगा, हमेशा आवर में, किसमें रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में जो भी फॉर्मूला है सब में टाइम किस में रहेगा, सेकेंड में, लेकिन सिर्फ इसमें टाइम किस में रहेगा, आवर में। अब 400 वाट कंज्यूम कर रहे हैं और कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो 8 घंटा रोज और कितना दिन तक, 30 दिन, मतलब पूरा कितना घंटा महीने में कंज्यूम किए, 240 घंटे, ये ना कितना से भाग दे देंगे, 1000, दो जीरो गया और एक जीरो गया, तो 8 चौके 32, और 32 तिहाई कितना, 96 किलो वाट आवर आपने क्या किया, इतना बिजली क्या किया है, कंज्यूम किया। अब 1 किलो वाट का दाम कितना है, 3 रुपया, कितना किलो वाट कंज्यूम किया, 96, क्या हो जाएगा, 96 गुना 270, 18 200, बिजली बिल दीजिए, जाइए घर, और क्या, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलिए ठीक है ना। पंकज जरा सा ना किलो को पैक करके दिखा दीजिएगा, क्वेश्चन का आप लोग फोटो खींच लीजिए, जो लोग के पास नहीं है।